कोई भी स्टार मंच पे हो, सामने से पत्थर मारना कहाँ ठीक से? कोई भी स्टार हो, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन कोई भी स्टार हो, किसी के साथ भी ऐसा होना बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी कलाकार हो, हम कलाकार हैं, हम एंटरटेन करने के लिए, दर्शकों के लिए हैं, हमें इस तरीके से ट्रीट होना शायद ऐसे नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारा अगर ऐसा हो रहा है तो, कि पहले आप हम पे मरते हैं फिर हम आप पे मरते हैं, जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं, कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ हाँ जाने का नहीं, तो सुन अपन यूपी बिहार वाला अंदाज में हम बुलाई भी नहीं किए इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, सुन मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, आने का नहीं। कौन सी के साथ अब नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट आपका आएगा कि नहीं आएगा? घूम फिर के आप लोग को दूसरा सवाल सब का है इतना दिमाग में आता है, नेपाली अपना चैनल चलाने के लिए क्या नहीं कोई प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आप ही लोग हैं जो एक फोटो दो फोटो लगा के जोड़ के हिल इसका ऐसे हो गया उसका वैसे हो गया, न्यूज खोल के देखो तो कुछ नहीं हुआ। मतलब फालतू के टुटपुंजी सवाल मत करिए। आपका सफर कैसा रहा? कट टू कट बात करिए, आइए वैसा ही जवाब देंगे, और लोगों जैसे नहीं है हम। नेपाल को कैसे देखते हैं आप? नेपाल को मैं बहुत ही खूबसूरत मानती हूँ और मैं चाहती हूँ ये और डेवलप हो, यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि यू नो हम हमारे जैसे लोग और भी बाहरी लोग आए यहाँ पर, टूरिज्म बढ़े, हालांकि है ही बट और ज़्यादा बढ़े। नेपाल के आर्टिस्ट को भोजपुरी में जगह मिलेगा? मैम ईश्वर करे मिले, और यू नो नेपाल के आर्टिस्ट को ज़रूरत नहीं है कि भोजपुरी में आके यू नो वो सफर करें, वो ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश हैं एंड आई थिंक बहुत सारी फिल्में नेपाली चल रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पे लोग यू नो पसंद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, सबकी जगह बनी हुई है भाई, क्यों किसी को कहीं आने की जरूरत है। आपको बाई द वे नेपाल में काम मिली नेपाली मूवी में, तो आप कीजिएगा कि नहीं? बहुत शौक से करूंगी क्योंकि मुझे भाषाओं को सीखना बहुत पसंद है, तो मैं यू नो अच्छा लगता है कि मैं अगर मुझे मिला ये चांस तो मैं डेफिनेटली करूंगी। और आज ही नेपाली कुछ लोग मिले थे नीचे मुझे, उन्होंने बोला आप नेपाली गाना क्यों नहीं गाते हो, यहाँ की एक ऐसी स्टार हैं जो यू नो गाने गाती हैं एंड ऑल सब बता रहे थे, तो मैंने बोला बिल्कुल ट्राई करूंगी एकदम। और मुझे बहुत शौक है कि मैं अगर बिहार में भी हूँ तो बिहार में मैथिली है, बिहार में मगही है, बिहार में भोजपुरी है। मैं एज एन आर्टिस्ट चाहती हूँ कि मुझे बहुत शौक है कि मैं सारी भाषाओं की जानकारी रखूँ, तो मैं सीखती रहती हूँ। बोली मैं बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने आए, कुछ सैड सॉन्ग आए जिसको जानते ही आप लोग, पीछे पड़ने लोग तो ऐसे हैं कि सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो इस बार गाने पे भी रोक लगा दिया गया, दो दिन स्ट्राइक मार के गाना उतरवा दिए लोग, बड़े बड़े स्टार तथाकथित, नाम नहीं लेंगे उन लोगों का, उन लोगों को ईश्वर जवाब देगा, बट उन्होंने गाना उतरवा दिया क्योंकि रील पे वो गाना ट्रेंड कर रहा था, तो हाँ वो सैड सॉन्ग था, तो धोखा देवे के तोर अजबे स्टाइल बा, घुट घुट के जिया तानी बाहर से इस माइल बा। चलिए गजब गजब अक्षरा मैम की शादी कब होगी? आइएगा क्या खाना खिलाना ये भी टैग जाएगा, जानिए कब हुई थी शादी, कब होगी शादी, कब होगी शादी, शादी जब कोई नजर में है कि नहीं, राजकुमार मिलेगा। अभी फिलहाल आप लोगों का दिल टूट जाएगा, जितने नौजवान लोग हैं यहाँ पर, आप सच बताइए कि आप लोगों की क्रश हूँ कि नहीं? ना ना बहुत लोग अपने के बहुत लोग लाइक करेगा, बस तो ये साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे पापा जी के साथ में बहुत ज्यादा मस्ती करती रहती है फैमिली के साथ, क्या करना चाहेंगे? क्योंकि माता पिता हैं तो इस दुनिया में सब है, माता पिता नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं, ये मैंने ये महसूस किया है। और मैं जितने भी यू नो यंगस्टर्स हैं जो यू नो बढ़ती उम्र में जब आप 15-16 पहुंचते हैं, आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ना चाहते हुए भी ऐसी बदतमीजियां करने लगते हैं, उनका बात नहीं मानना, बहुत कुछ ऐसा करना जो बाद में जाके आपको भोगना पड़ता है, आपको झेलना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर अपने मैसेज अपनी बातों के माध्यम से अपने जितने दर्शक हैं जितने यंगस्टर्स हैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने समय रहते
माँ बाप की इज्जत करें और कद्र करें। आकाश रहती तो मुझे भी लॉन्च होने का मौका मिलता आपकी फिल्म से, एंड वो फिल्म यू नो अवार्ड विनिंग फिल्म थी और वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म कहा जाता है। और हाँ, और वैसी फिल्में तो अब बनती भी नहीं है सर। अब मैं, सौभाग्य है मेरा कि मैं आपके साथ बैठी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।